नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सलूशन किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। अगर आप सभी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो आप वहां से पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन पीडीएफ को, तो इसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे सॉल्यूशन को, अब इस पूरे क्वेश्चन को रीड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को भी विजिट करके सी सॉल्यूशन को प्रेस करेंगे तो आप वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिये, सर्वो मोटर टेक्स 4000 पल्स पर रेगुलेशन एंड सर्वो मोटर शाफ्ट इज कनेक्टेड विद अ वाल स्क्रू थ्रू अ कपुलर व्हेन द पिच रेशियो ऑफ वाल स्क्रू इज 7.5 mm, राइट द प्रोग्राम व्हेन द स्टार्ट पुश बटन X0 प्रेस सर्वो मोटर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर अ 50 mm। आफ्टर रीच अ फाइनल पोजिशन स्टॉप, मीन्स फाइनल पोजिशन पे पहुंचने के बाद सर्वो स्टॉप हो जाता है एंड सर्वो मोटर टेक फॉर अ 5 सेकेंड, मीन्स स्टॉप होता है 5 सेकंड के लिए। आफ्टर दैट सर्वो मोटर रिटर्न इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन फॉर अ होम पोजीशन व्हेन द सर्वो होम सेंसर X2 हाई इट शो सर्वो एट होम पोजीशन आल्सो सर्वो स्टॉप बाय प्रेसिंग इमरजेंसी पुश बटन X1, स्पीड मस्ट बी कॉन्स्टेंट 1000 हर्ट्ज इन बोथ डायरेक्शन सी सॉल्यूशन। मीन्स ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्वो मोटर है जो 4000 पल्स लेने में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो उसका पल्स पर रेगुलेशन 4000 है और उसका जो बाल स्क्रू कनेक्ट है उसका वाल स्क्रू का जो पिच रेशियो 7.5 mm है। मींस ऊपर वाला जस्ट ही क्वेश्चन है, ऊपर वाले में भी 4000 पल्स और 7.5 mm कैलकुलेशन से मैंने जो पल्स कैलकुलेट किया था वो अभी भी है। और अब देखिए, द स्टार्ट X0 को प्रेस करेंगे मीन्स इनपुट सिग्नल को, तो सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा 50 mm के लिए। आफ्टर 5 सेकंड फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद 5 सेकंड रुकेगा, 5 सेकंड के बाद वो सर्वो मोटर वन सेकंड वापस आ जाएगा। जैसे ही वो होम पोजीशन पर आएगा सर्वो मोटर होम सेंसर X2 हाई हो जाएगा, X2 हाई होने से बताएगा कि सर्वो मोटर अब हमारी होम पोजीशन पर आ गई है। इन केस फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 1000 मींस 1000 हर्ट्ज है और X1 हमारा जो इमरजेंसी पुश बटन के लिए, इन केस अगर मैं बीच में स्टॉप करना चाहता हूं तो X1 को प्रेस करूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ मेन स्क्रीन पर आते हैं सॉफ्टवेयर के, और अब मैं इसको कुछ वीडियो को एक दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि किस टाइप का एप्लीकेशन है। जैसे कि ये हमारा एक सर्वो है और वाल स्क्रू से कनेक्ट है। अब देखिए, मैं जैसे ही इसको प्ले करता हूं, इसके वीडियो को ध्यान से देखिए। अब सर्वो मोटर हमारा डाउन आ रहा है, नीचे आया। अब देखिए धीरे धीरे पार्ट को प्रेस कर रहा है, ये कितना एमएम डाउन हो रहा है, 12 mm यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभी सर्वो वापस चला गया। सर्वो यहाँ पे देख रहे हैं, ये होम सेंसर है। देखिए ये हमारा सर्वो है, ये सर्वो हमारा ट्रेबल कर रहा है, नीचे आया, पार्ट को प्रेस करेगा। आगे से देखिए, यहाँ पे डबल सीट, ये मैंने सीट प्रेस का मशीन है, सर्वो के थ्रू इस पार्ट को प्रेस किया जा रहा है यहाँ पे जो पार्ट है। अभी देखिए ये रिसेट करके वापस जाएंगे और यहाँ पे होम सेंसर लगा है। जैसे ही होम सेंसर हाई होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो मशीन है होम पोजीशन पे आ गया है। कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन हो, सर्वो मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना हो। एक और एप्लीकेशन दिखा देता हूं, और मीन्स सर्वो के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। एक और वीडियो में मीन्स सर्वो को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में कैसे रोटेट करना है वो रोटेट करके मीन्स 5 सेकंड स्टार्ट भी करना है। जैसे कि ये मेरा एक SPM मशीन है, ये चल रहा है, यहाँ पे सर्वो मोटर लगा है। ये देखिए ये जो वाल स्क्रू है, अभी मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है। अब देखिए ये वाल स्क्रू है, वाल स्क्रू, ये सर्वो हमारा धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखिए ये कपलर जो है रोटेट हो रहा है, ये हमारा ट्रेवल कर रहा है, अभी आपको पता चलेगा। तो मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया, फिर रुका और फिर अब देखिए ये रिवर्स डायरेक्शन में मीन्स वापस सर्वो जाने लगा। यहाँ पे देखिए कपलर ये रोटेट हो रहा है, मीन्स सर्वो हमारा जो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो हम सर्वो को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है, इसी के बारे में प्रोग्राम हमको राइट करना है दोस्तों।
तो ये हमारा कुछ मींस एक एसपीएम मशीन था जिसमें सर्वो यूज किया गया, हालांकि सर्वो तो बहुत जगह यूज किया गया है, तो उसके लिए मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूँ मींस कुछ वीडियो था जो जिसको दिखा के आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए कि ये जो एप्लीकेशन है किस लिए है, ये जो हमारा क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू किस लिए सॉल्व कर रहा हूँ और इसका लॉजिक क्या है, इंडस्ट्री में कैसे आप देखेंगे कि इस टाइप का एप्लीकेशन मिलेगा, तो उसके लिए ये हमने प्रोग्राम राइट किया है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम जो लेक्चर नंबर वन में क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें देखिए पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे देखिए 4000 पल्स एंड वॉल स्क्रू 7.5 एमएम था। ऊपर में भी क्वेश्चन में यहाँ पे 4000 पल्स पर रेवोल्यूशन और 7.5 एमएम वॉल स्क्रू का इसका पिच रेशियो था। इसे पल्स पर रेवोल्यूशन जो मैंने निकाला था पल्स पर रेवोल्यूशन 533 निकल के आया था। अगर पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए या फिर थ्योरी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का सर्वो मोटर एप्लीकेशन में। तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे 4000 पल्स पर रेवोल्यूशन था और उसका पिच रेशियो 7.5 था, तो पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन किया था तो 533.34 आया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी वही लेक्चर मीन्स वही लेडर लॉजिक इसमें भी सॉल्व होगा, बस कुछ मॉडिफिकेशन है जो मैं इसमें कर दूंगा ताकि आपका समय बचे। अब इसके बाद मैंने क्या करूंगा, D20 में हमारी वैल्यू आएगी जो इंटर ट्रेवल कितना एमएम ट्रेवल करना है, D2 में इंटर करूंगा, ये DFLT है फ्लोट मीन्स फ्लोट, ये जो हमारी इंटीजर वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता है और डी इंटीजर जो है हमारे जो फ्लोट की इंटीजर में कन्वर्ट करता है, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तब देखिए D2 में मैं क्या करूंगा, इंटर वैल्यू इंटर ट्रेवल इन एमएम, D2 में कितना एमएम ट्रेवल करना है, जैसे कि इसने बोला है कि 50 एमएम ट्रेवल करना है, कितना एमएम ट्रेवल करना है 50 एमएम, तो जो 50 एमएम ट्रेवल है 50 एमएम ट्रेवल हम यहां पे इंटर करेंगे D2 में, और D2 वैल्यू जो हम 50 एमएम इंटीजर वैल्यू है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे और फ्लोट फ्लोट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट भी फ्लोट हो जाएगा, तो जो ये रिजल्ट फ्लोट आएगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, जो इंटीजर बनेगा वो हमारा D6 में आ जाएगा और D6 हमारी क्या है पोजीशन है, PLSY इंस्ट्रक्शन मैं यूज करूंगा। तो ये तो हमारा फॉरवर्ड वाइज में था कि सर्वो मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना है, बट क्वेश्चन में अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, After reach of final position, stop servo for 5 second. जब ये final position पर पहुंच जाता है तो servo motor stop हो जाता है कितने second के लिए, 5 second के लिए। After that 5 second के बाद servo motor once again reverse wise direction में आ जाता है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब reverse wise direction के लिए हम program लिखेंगे। अब इसको मैं delete कर देता हूं, ये forward wise का था, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में तो मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अंत का है वही मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहे हैं, जितने भी वीडियो बना रहे हैं सब बड़े ही होते जा रहे हैं, तो इसके वजह से शॉर्ट वीडियो करने के लिए ये हमको यूज करना पड़ रहा है। अब देखिए रिवर्स वाइज के लिए मैं लिख देता हूं LD X1, ये हमारा रिवर्स वाइज के लिए मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए मैं यहाँ पे RW लिख देता हूं रिवर्स वाइज। अच्छा वन थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बता देता हूं आपको, जैसे ये इंस्ट्रक्शन एक्सक्यूट होगा, जैसे ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, अगर मैं यहां पर चाहता हूं एक रो तो कंट्रोल के साथ आई दबा दीजिए इंसर्ट रो हो जाएगा, यहां से एक पैरेलल रो ले लेंगे और यहां से सॉरी पैरेलल लाइन यहां पर LDM 1029 बीट यूज करेंगे। अच्छा इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये वो बीट है जैसे ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा मीन्स ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा मीन्स 50 एमएम जैसे ही ट्रेवल कंप्लीट होगा उस समय ये बीट हमारा हाई हो जाएगा मीन्स। अच्छा ये बताइए कि सर्वो एमएम अगर सर्वो मोटर हमारी 50 एमएम ट्रेवल कर दी तो ये कैसे हमको पता चलेगा कि सर्वो मोटर हमारी 50 एमएम ट्रेवल कर चुका, हम तो पहला तरीका ये है कि D1336 में हम ये पल्स देखें कि जितना हमने 50 एमएम के लिए पल्स बना वो कंप्लीट हो गया तो हमारा हम ये मान सकते हैं, अदरवाइज ये एक वो बीट है पल्स एग्जीक्यूशन कंप्लीट बीट मींस जैसे ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा मींस 50 एमएम ट्रेवल कर देगा तो ये बीट हमारा हाई हो जाएगा और ये बीट जैसे ही हमारा हाई होगा तो ये बताएगा कि ये हमारी सर्वो मोटर जो है हमारा ये 50 एमएम ट्रेवल कर चुका है। अब यहां से मैं सेट M0 करा देता हूं, ठीक है M0 सेट करा देता हूं और LDI यहां पे लगाता हूं, तो LDI M0 में लगा देता हूं, क्यों कि क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा सर्वो मोटर और ट्रेवल कंप्लीट करेगा तो ऐसे ही NC से ये स्टॉप हो जाएगा। हालांकि अगर X0 नहीं होता यहां पे, अगर कुछ कोई मेमोरी बिट होता तो मैं इसको रीसेट कर देता यहीं से, बट मैंने इसको सेट कर दिया और यहां पे एक राइजिंग एज के थ्रू हम सेट कर देते हैं इसको। अब देखिए यहां से मैं इसको रिवर्स वाइज में करने के लिए है
सॉरी रिवर्स वाइस में कर रहे कि यहाँ पे एल डी एम जीरो ले लेता हूं, क्योंकि जैसे ही एक कंप्लीट होगा हमारा 50 mm ट्रेबल होगा, तो 50 mm ट्रेबल करने के बाद सर्वो हमारा कितना सेकंड रुकना चाहिए, 5 सेकंड। तो यहाँ एम जीरो से एक टाइमर लगा देता हूँ, टी एम आर और टी वन और के की वैल्यू 50 डाल देता हूँ, क्योंकि 5 सेकंड रुकना है। यहाँ पे के की जीरो वैल्यू 50 डाल दिया। अब देखिये यहीं से मैं एक पैरेलल लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे टी जीरो एल डी टी जीरो से, अब देखिये इसी टी जीरो से जैसे ही ये हमारा 50 mm फॉरवर्ड डायरेक्शन का ट्रेबल कंप्लीट होगा, तो जो हमारा M0 हाई हो जाएगा, M0 हाई होने से हमारा एक टाइमर चलने लगेगा, 5 सेकंड के बाद ये बीट हाई होगा और यहां से हमारा जो इंस्ट्रक्शन मैं फिर लिख देता हूं डी पी एल एस वाई और हमारा जो पल्स आ रहा है डी सिक्स में, मीन्स कितना mm ट्रेबल करना है। यहां पे देख लीजिए मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल करके दिखा देता हूं, ये देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट, तो यहां पर डी पी एल एस वाई और फ्रीक्वेंसी जो हमारी, देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी बता रहा है कि बोथ डायरेक्शन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखूंगा के 1000 और डी सिक्स में पोजीशन आएगा डी सिक्स और वाई जीरो पर हमको पल्स मिलेगा। ठीक है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन बन गया सर्वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। जैसे ये हमारा पल्स कंप्लीट होगा, मीन्स जितना रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा प्रोग्राम ऑफ हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहीं से मैं वंस अगेन एल डी एम 1029 यूज करूंगा। जैसे ही वंस अगेन इस इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, और अच्छा वन थिंग यहां पे ही मैं एक कंट्रोल इंसर्ट के साथ, जैसे ही एम जीरो सेट होगा एम जीरो से ही मैं इसको रिसेट कर देता हूं, आप यहां पर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप बेहतर रहेगा कि आप यहां पे भी कर दो, यहीं पे एल डी एम जीरो से रिसेट कर देता है एम 1029 आर एस टी एम 1029 यहां से रिसेट कर दीजिए इसको। ठीक है, और इसको भी एक राइजिंग एज, क्योंकि अगर कंटिन्यू इसे रिसेट कर किए रहेंगे एम जीरो से, तो यहां पे जो मैंने एम जीरो 1029 यहां पे नीचे यूज किया वो सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद यहां पे जब ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा, तो इसी से मैं आर एस टी कर देता हूं, आर एस टी एम 1029 वंस अगेन इसी से रिसेट कर देता हूं, और एम 1029 रिसेट करने से पहले मैं एम जीरो को रिसेट कर देता हूं यहां पे, और एल डी एफ एम जीरो से मैं एम 1029 भी एल डी एफ सॉरी, क्योंकि ये जो एम 1029 है ना ये सेट हो जाता है, ऐसा नहीं एक राइजिंग एज के लिए ये हाई होता है, मिसिबीसी में अलग कंसेप्ट है इसका, यहां पे ये एक बार सेट हो गया मीन्स हाई हो जाएगा। वंस अगेन आर एस टी एम 1029 यूज कर देता हूं, तो ये जो हमारा प्रोग्राम मैं राइट कर रहा हूं, और यहां पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, इसको भी मैं यहां पे 1000 कर देता हूं, ये 10000 है, 1000 इसको कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बट ये जो हमारा सेकंड है सर्वो मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना था, तो अब देखिए या तो मैं इसमें जो ये पोजीशन है, ये हमारी जो पोजीशन है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, मैं चाहूं कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निगेटिव करके मैं सर्वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में ऑन कर सकता हूं, या फिर मैं यहां से वाई वन को भी हाई करके सर्वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में कर सकता हूं, तो कंट्रोल इंसर्ट के साथ यहीं से मैं एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन OUT Y1 लिख देता हूं। यहां से क्या होगा, जैसे ही ये हमारा M0 हाई होगा, M0 हाई होने से टाइमर 5 सेकंड के एक्टिव होगा, 5 सेकंड के बाद जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा उसी समय Y1 एक्सिक्यूट होगा, Y1 एक्सिक्यूट होने का मतलब ये सर्वो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा और पूरे का पल्स हमको इसमें दिख रहा होगा। तो ये जो सर्वो मोटर का जो मैंने प्रोग्राम लिखा है मीन्स इससे सर्वो मोटर हमारा 50 mm मीन्स D2 में जितनी mm इंटर कर देंगे उतना mm फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा और उतना ही mm रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। जब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तब ये जाकर अपने आप ये ऑफ हो जाएगा। मीन्स अगर बेहतर अगर समझना चाहते हो X0 को छोड़ के यहाँ पे कोई M1 अगर ले लेता तो ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाता। अब इसको समझने के अच्छा वन थिंग मैं वही कर देता हूं आपके लिए, कंट्रोल इंसर्ट से एक यहाँ पे LDX0 दे देता हूं और यहीं से मैं सेट कर देता हूं SET सेट M5 सेट कर देता हूं। ठीक है, और यहां से राइजिंग एज यूज कर लेता हूं और इसको मैं
इसको डिलीट कर देता हूं और यहीं पे LDM5 लिख देता हूं। ठीक है, LDM5 लिख दिया, मींस X0 को जैसे ही प्रेस करेंगे सेट हो जाएगा M5। M5 से हमारा पूरा सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। जब सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा 5 सेकंड के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन कंप्लीट होगा M5 हमारा रीसेट हो जाएगा। तो जैसे ही अब इसको करने के लिए अब आपको थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे ही M0 सेट होगा तो M0 से ही यहां पे कर देता हूं मॉडिफिकेशन, M0 से ही जो M5 हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए चल रहा था M5 को भी मैं रीसेट कर देता हूं यहीं से। क्या कर दूंगा, RST M5। ठीक है, अगर देखिए ये हमारा सर्वो मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए मेरा प्रोग्राम है। वंस अगेन अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये बोल रहा है X1 यहां पर देखिए फॉर पोजिशन और इमरजेंसी बटन X1, अगर X1 को प्रेस करें तो पूरे प्रोग्राम जो सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो या रिवर्स डायरेक्शन में हमारा सर्वो मोटर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो जो वैल्यू मैंने सेट करा रखा है उसको मैं X1 यहां पर यूज कर लेता हूं। अगर NC यूज करेंगे तो ऊपर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज LD स्पेस X1 में यूज कर लेता हूं और यहीं से रीसेट कर देता हूं। यहां पे कमेंट मैंने लिखा, इस कमेंट को हटा देता हूं और इस कमेंट को स्टॉप लिख देता हूं। ये स्टॉप के लिए मैं बटन यूज करूंगा और यहां से मैं रीसेट कर दूंगा। रीसेट करने के बजाय ZRST इंस्ट्रक्शन यूज कर ZRST और M0 से M5 तक मैंने यूज किया, तो M5 सबको मैं रीसेट एक साथ कर देता हूं। जैसे ही मैं X1 को प्रेस करूंगा पूरे M0 से M5 जितने भी मैंने मेमोरी बिट इस सर्वो मोटर में यूज किया है सभी हमारे मेमोरी बिट ऑफ हो जाएंगे और मेरा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसको कंपाइल कर देता हूं और कंपाइल करके पूरे प्रोग्राम को रन करके मैं समझाता हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, अभी प्रीवियस कुछ डेटा को मैंने यूज किया तब जाके इतना बड़ा वीडियो बन गया, अदरवाइज मैं उसको भी शुरू शुरू से राइट करता तो फिर वीडियो और भी बड़ा बन जाता। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय कंज्यूम हो, इसके वजह से मुझे ये प्रीवियस डेटा भी यूज करना पड़ा। वंस अगेन मैं इसको सिमुलेट कर देता हूं यहां पे और इस प्रोग्राम को PLC में ट्रांसफर कर देता हूं। ये प्रोग्राम एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है, अगर आपके पास सर्वो ड्राइव है तो आप ये प्रोग्राम को ट्रांसफर करके आप इसको रन कर सकते हैं। किसी भी सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो आप ये प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको चेंज करना पड़ेगा D20 में, क्योंकि पल्स पर MM का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। पल्स पर MM का कैलकुलेशन प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, मीन्स थ्योरी वाले वीडियो में, तो आपको पता चलेगा। ये जो मैंने वो प्रोग्राम लिखा है जिससे सर्वो मोटर हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब देखिये D20 में इंटर ट्रेवल इन MM, यहाँ पे कमेंट में भी ऐसे, अब देखिए यहाँ पे चेंज प्रेजेंट वैल्यू कितना MM हमारा बोला था क्वेश्चन में कि 50 mm ट्रेवल करना था, कहां बोला है 50 mm ट्रेवल करना है। ठीक है 50 mm, तो 50 mm हम कहां पे D2 में इंटर कर देते हैं, यहां पे K50 डाल देता हूं, K50 32 बिट कर देता हूं क्योंकि मैंने D इंटीजर लगाया तो K50। अब देखिए K50 मैंने mm ट्रेवल डाल दिया तो K50 mm के हिसाब से पोजीशन की वैल्यू कितनी बनेगी, यहां पे D4 में चली गई और D4 की वैल्यू से हमको जो फ्लोट है उसको इंटीजर में, मीन्स इतनी वैल्यू इंटीजर में बनेगी, मीन्स 26,666 पल्स बनेगा। अगर 50 mm ट्रेवल करना है तो 26,666 पल्स बनेगा। अब देखिए ये हमारा इंस्ट्रक्शन बन गया, ये इसे देखिए। अब जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूंगा तो हमारा M5 सेट हो जाएगा, M5 सेट होने से ये हमारा सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा और उसका पल्स हमको इसमें दिखेगा। अब देखिए मैं X0 को ऑन करता हूं सर्वो मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए, मैं X0 को ऑन किया, वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर दिया। अब देखिए ये हमारा सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा और इसका पल्स आप D1336 में देख रहे हैं। जैसे ये 26,666 पल्स कंप्लीट करेगा हमारा M5 जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये M1029 हमारा सेट हो जाएगा। जैसे ही मींस ये 26,666 होने पे तभी जाके बीट हाई होगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए देखते रहिए बस, देखिए जैसे ही 26,666 पल्स कंप्लीट हुआ तो ये हमारा सर्वो मोटर रुक गया और यहां पे देखिए ये हमारा टाइमर चलने लगा। टाइमर चलने से M0 हाई हो गया, M0 हाई होने से, सॉरी माय बिग मिस्टेक, यहां पे मैंने T1 टाइमर यूज किया और यहां पे मैंने क्या कर दिया T0, तो ये मेरा मिस्टेक है। आप यहां पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, या अगर मैंने T1 टाइमर यूज किया है तो यहां पे भी मुझे T1 करना पड़ेगा। इससे इसके लिए मैं वंस अगेन प्रोग्राम को थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूं, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, X0 को प्रेस करके पूरे बीट को और सेट ऑन करके मैं इसको सेटअप कर देता हूं, मीन्स सर्वो मोटर को वहीं पे स्टॉप कर देता हूं। अभी देखिए सभी बीट हमारे ऑफ है,
और मैंने 85 mm डाला था और इसमें जो D1336 की वैल्यू, इसको चेंज प्रेजेंट वैल्यू मैं इसको जीरो कर देता हूं ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझे। वहां पे मैंने T0 लिख के T1 लिख दिया था तो वो मिस्टेक हो गया था, तो इग्नोर करेंगे आप इसमें गलती, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू जीरो कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस पॉइंट को। बार बार मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने का ये प्रोग्राम है। इंडस्ट्री में यही हम प्रोग्राम रोटेट मीन्स चलाते हैं, ऐसा प्रोग्राम आपको ऐसे यूट्यूब पे लिखा हुआ नहीं मिल पाएगा। और कैसे राइट करते, कैसे बीट को यूज करते हैं, ये मैं पूरी वो जो डेटा बता रहा हूं, जो डेटा हाइड किया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है कि सर्वो मोटर का प्रोग्राम कैसे राइट किया जाता है। अभी देखिए मैं X0 को सेट ऑन करूंगा, सर्वो मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में मीन्स प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और वन सेकंड ये पुश बटन है, प्रेस करने के बाद ऑफ भी करना पड़ता है। M5 मैंने ऑन किया, M5 से सर्वो मोटर हमारा, देखिए ये सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगा और कितना पल्स ले रहा है, ये हमारी वैल्यू 1336 मारे। जैसे ये 26,666 पल्स कंप्लीट करेगा, M1029 हाई होगा और M0 सेट हो जाएगा। जैसे ही M0 सेट हो जाएगा हमारा M5 रीसेट हो जाएगा, क्योंकि दोबारा अब फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर चल चुका है तो ये बिट हाई ही क्यों रखना है, एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं इसको आप कर दिया सेट M0 के सेट होने से हमारे देखिए टाइमर T1 चलने लगा। अब देखिए इससे अब सर्वो मोटर हमारा किसमें चलने लगा, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा। अब देखिए ये T1 ऑन हो गया और ये हमारा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है, क्यों रिवर्स वाइज में चलने का रीजन है कि AY1 हाई हो गया है। अब इसका जो पल्स है हमारा, अगर आप देखना चाहते हैं इसका पल्स, तो इसमें देखिए D1336 में इसमें पल्स इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स ये सर्वो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। जैसे ये पल्स कंप्लीट होगा M0 भी अपने आप रीसेट हो जाएगा, देखते जाइए। जैसे देखिए पूरे हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो गया, मीन्स पूरा बीट ऑफ हो गया। जैसे ही फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन कंप्लीट किया, पूरा हमारा सर्वो मोटर मीन्स अपने आप ऑफ हो गया। अगर दोबारा से चलाना चाहता हूं फॉरवर्ड और डायरेक्शन में, वंस अगेन मैं X0 को सेट ऑन करूंगा वंस अगेन और इसको मैं सेट ऑफ करूंगा, क्योंकि ये पुश बटन है। अभी देखिए पल्स ये इंक्रीमेंट होने लगा, सर्वो मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगी। जैसे ही ये 26,666 पल्स कंप्लीट करेगा, M0 A में 1029 हाई हो जाएगा, हाई होने से फिर M0 सेट हो जाएगा और M0 सेट हो जाएगा और M5 यहां से देखिए M0 सेट हो जाएगा, M5 रीसेट हो जाएगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ये ऑफ हो जाएगा और M0 सेट होने से टाइमर चलेगा T1 से फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारा सर्वो मोटर चलने लगेगा। तो इससे हम इस तरीके से सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम था सर्वो, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।